First. So, देखें, जब भी आपने किसी चीज को पढ़ना है आपने उसकी बेसिक्स पहले देखनी है की नॉर्मल क्या होता है जब आपको नॉर्मल अच्छी तरह से पता होगा तो फिर उसके बाद आपको अब नॉर्मल पता होना शुरू होगा पता चलना शुरू होगा नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब हम स्किन का देखते हैं तो एक तो ये इतना बड़ा ऑर्गेन है कि इट इज ऑलमोस्ट अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ठीक है और फिर ऑब्वियसली स्किन में एपिडर्मिस आती है डर्मिस आती है तो एपिडर्मिस के अंदर नॉर्मली फाइव लेयर्स होती हैं जो खुद बखुद रीजनरेट होती रहती हैं और गिरती रहती हैं रीजनरेट होती रहती हैं फिर गिरती रहती हैं ठीक है एंड देन वी हैव डर्मिस इज़ डीपर स्किन लेयर तो जो पांच लेयर्स हैं एपिडर्मिस की वो कौन कौन सी होती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम स्ट्रेटम लूसियम स्ट्रेटम ग्रेनोलोजम स्ट्रेटम स्ट्रेटम स्पाइनोज्रेटम ठीक है स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर ठीक है अच्छा और क्या क्या, -क्या चीजें हमें नज़र आती हैं स्किन सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस जिसकी पांच लेयर्स ये आपको दिखाई हैं फिर वी हैव डर्मिस एंड देन वी हैव सबकुटेनियस के अंदर आपके पास वेस्कुलराइजेशन आनी शुरू हो जाती है मतलब जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं वो डर्मिस तक आ रही होती हैं एपिडर्मिस में ब्लड वैसल्स नहीं आ रही होती हैं अगर में ब्लड वैसल आ रही हो तो क्या होगा जब ये स्किन शेड होगी या ये जो लेयर्स गिरेंगी तो खून निकलना शुरू हो जाएगा ऐसा होता नहीं है अन एक कोई रेयर डिजीज हो लेकिन नॉर्मली जो आ, ये जो आ, इसकी वेसल्स हैं वो डर्मिस तक होती हैं मेनली फिर उसके अलावा आपको क्या नज़र आता है फिर आपको हेयर फॉलिकल्स नज़र आते हैं हेयर रूट नज़र आती है हेयर फॉलिकल्स नज़र आते हैं उसके अलावा आपको फॉलिकल क्या होता है जहाँ से हेयर उगना शुरू होता है ग्रो करना शुरू करता है फिर उसके अलावा आपको क्या नज़र आता है फिर आपको ग्लैंड नजर आते हैं ठीक है विच आर ट्यूबुलर कॉन्वल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फिर आगे मिसाल के तौर पर स्वेट ग्लैंड है या ग्लैंड है ठीक है वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन है वो फिर एपिडर्मिस पे, पे आ, छोड़ते हैं अच्छा फिर उसके अलावा आपको और क्या नजर आता है नर्व एंडिंग्स नजर आती हैं ठीक है थीके? जो स्किन से सेंसेशन लेके जाती हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ मेजर नर्व फिर उसके अलावा आपको वेसल्स तो मैंने आपको बता दी हैं आर्टीज अलावा मसल्स होते हैं जो बहुत बहुत छोटे मसल्स होते हैं जो ग्लैंड को सिक्रीशन में हेल्प करते हैं या कई दफ़ा हेयर रेक्शन में हेल्प करते हैं जो गूज बम्प्स होते हैं तो हेयर आपके फॉलिकल हल्का सा सख्त हो जाते हैं तो देर इज एन ऑटो ऑटोनॉमिक मेकनिजम जिसके थ्रू वो स्टिमुलेट uh, होते हैं और उसके थ्रू जो है वो उनके फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है इसके अलावा वी हैव ऑयल एंड वी हैव कॉर्पसल्स कारपसल ये वो वाली कॉर्पसल्स हैं जो बेसिकली नर्व एंडिंग्स के एंड पे होती हैं अगर आपने न्यूरो पढ़ी हो तो आपने उसमें कॉर्पसल्स का नाम पड़ा हो आपको नजर आ रही होती हैं बाकी इसके अलावा तो मेन चीज़ कोई नहीं है अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर आपके जहन में है तो आप जब बीमारियाँ पड़ोगे तो आपको पता चल सकता है कि कौन से एरिया में अगर कुछ हो रहा है तो मसला हो सकता है यहाँ पे क्या क्या मसले हो सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लड वेसल्स में मसला हो सकता है नर्व एंडिंग्स में मसला हो सकता है इन लेयर्स में मसले हो सकते हैं कोई स्किन के ऊपर मसला हो सकता है हेयर फॉलिकल्स में मसले हो सकते हैं हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, है। फिर इसके अलावा Uh, sweat, के मसले हो सकते हैं स्वेट क्लैंड के मसले हो सकते हैं मतलब होता है स्किन डरमिस के बिल्कुल नीचे वी हैव दिस एरिया ठीक है this, uh, area, थोड़ा सा फैट होता है इसके नीचे जो जो हजरात और खात थोड़ी ज्यादा मोटी होती हैं, उनकी जो ये सबको टिशू के फैट है ये थोड़ा ज्यादा होता है ठीक है सो so, ये इसकी बेसिक चीजें हैं एक्राइन, एक, एक, एक एक्राइन एंड एक्राइन, ऑटोक्राइन एक्राइन, होता ही ये इनके दरमियान जो फर्क है मीरो एक्राइन और ऑटोक्राइन के दरमियान वो फर्क ये होता है कि वो स्वेट ग्लैंड जो है या जो ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन रिलीज कैसे कर रहा है कुछ ग्लैंड अपनी सिक्रीशन ऐसे रिलीज करते हैं कि यह यहाँ पे बनी सिक्रीशन और यहाँ से जाके पूरी ट्यूब से जाके बाहर निकल गई ठीक है तो कुछ सेल्स रिलीज होते हैं बिकॉज वट इजन सिक्रीशन इज एक्चुअली अ सेल ठीक है एंड इज रिलीज फिर कुछ या वेजिकल फ्रॉम अ सेल कुछ से तो खाली वेजिकल निकल रहा है सेल इंटेक्ट रह रहा है कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं कि इसमें सेल टूट के गिर रहा है और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें ग्लैंड का कुछ हिस्सा टूट के गिर रहा है वो उसकी सिक्रीशन है बट ग्लैंड इज यू नो काइंड ऑफ ऑफ श्रेडिंग सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिक्रीशन उन ग्लैंड की तीन चार क्लासीफिकेशन uh, होती हैं एक्राइन ऑटोक्राइन ठीक है नॉट गो इन टू दैट डिटेल अभी बट फिलहाल आपके सवाल के जवाब है अच्छा एक दफ़ा आपने पिक्चर देख ली अच्छा डायग्राम्स की इम्पॉर्टेंस बेटा बहुत ही ज़्यादा है वो पैथोलॉजी हो वो कोई भी मेडिकल साइंस हो एनाटॉमी थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फिजियोलॉजी में भी आपको पता ही होगा डायग्राम्स हा आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा देती हैं सो so, अगर आपको कहीं पर डायग्राम नज़र आ जाए आपने उस डायग्राम के साथ टाइम स्पेंड करना है यू विल नॉट रिग्रेट अ सिंगल सेकेंड स्पेंट विद डायग्राम एंड यू विल नॉट रिग्रेट अ सिंगल सेकेंड एक्स्ट्रा सेकेंड्स भी अगर आप उस पर लगा दो तो आप उसको भी रिग्रेट नहीं करोगे बिकॉज इट विल हेल्प यू रिवाइज एंड रिव्यू योर सब्जेक्ट है अच्छा सो सबकुटेस लेयर्स में क्या होता है बिल्कुल नीचे कनेक्टिव टिशू आ जाती है कनेक्टिव टिशू से नीचे मसल्स आ जाते हैं और फिर इन लेयर्स में ऑब्वियसली थोड़ी सी तो डर्मिस में जा रही होती हैं वेसल्स लेकिन इससे नीचे वेसल्स फिर काफ़ी ज्यादा होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं और फिर डर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल्स और स्वेट भी आते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ मसले हो सकते हैं हेयर होते, है। होते हैं स्किन के में, ठीक है? हेयर तो हमने अभी देख लिया होते हैं ग्लैंड आपको बता दिए देखा एक और वर्ड आ गया अच्छा वट इज द फंक्शन बहुत सिंपल सा है पूरी बॉडी को कवर कर रही है तो प्रोटेक्शन है इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करती है

अच्छा जी डू वी हैव अब हमने देखना है कि स्किन इंटेग्रिटी स्किन इंटेग्रिटी का मतलब है कि स्किन जो पूरी की पूरी आपकी बॉडी पे है वो कहीं से कट ना लगे उसमें या कुछ ब्रेक ना आए स्किन के अंदर तो कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर ब्रेक्स ला सकती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्किन की कंटिन्यूटी को या स्किन की इंटैग्रिटी के अंदर मसले प्रिय कर सकते हैं। िटी इमोबिलिटी का मतलब है अगर कोई इंसान हिले जुले ना या लेटा रहे या बैठा रहे और बहुत देर बैठा रहे बहुत सारे जो आ, ज्यादा वेट के लोग होते हैं ओबीज़ लोग होते हैं उनकी इमोबिलिटी उन या yeah, अल्सर का मतलब क्या होता है अ ब्रेक इन द स्किन Can you guys hear me or not? Yes, sir. yes, sir. Okay. okay, I think it got disconnected. Just a second. All right, so I was telling you about the factors that can influence the continuity of the skin skin make we break with our security. say one of the most important factor is immobility. तो so, immobility का मतलब क्या होता है Immobility का मतलब ये है कि किसी भी रीजन की वजह से बंदा ज्यादा मूव नहीं कर रहा वन ऑफ द रीजन आई यू वॉज अ वेरी ओबीज पर्सन बहुत मोटा बंदा ठीक है वो ज्यादा हिलता जुलता नहीं है तो इमोबिलिटी होती है द अदर रीजन इज बेड रिटर्न पेशेंट किसी वजह से पेशेंट जो है वो लंबे अरसे के लिए बेड पे लेट गया है so, उससे क्या होता है प्रेशर सोर्स बन जाते हैं सोर का मतलब क्या होता है एन अल्सर या कोई छाला या कोई कट विच इज नॉट एक्जैक्टली कट बट इट्स अ ब्रेक इन द ऑफ स्किन या कंटिन्यूटी ऑफ स्किन प्रेशर की वजह से स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता पड़ता जाता है पड़ता जाता है कि वहां से वो हल्का हल्का टूटना शुरू हो जाती है ठीक है अब ये जैसे बेड रिडन पेशेंट के बारे में बात की है और वो बेड रिडन पेशेंट जो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकता है, मिसाल के तौर पर किसी की सर्जरी हुई है या मिसाल के तौर पर आ, किसी का कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो काफ़ी देर तक उसको एक जगह बैठना पड़ा तो ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं और कौन सी चीज़ पे कौन सी जगह पे ये सोर्स बन सकते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा प्रोमिनेंट एरियाज पे ठीक है जहाँ पे वेट ज्यादा होगा मिसाल के तौर पर जैसे बंदा लेटा हुआ है तो अगर वो लेटा हुआ है तो अगर वो सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है प्रोन पोजिशन में लेटा हुआ है नॉर्मली सुपाइन में लेटा होगा तो उसकी जो बैक है वहां पे ज्यादा प्रेशर प्रेशर पड़ सकते हैं और बैक के ऊपर इवन ग्लूटियल रीजन या बटक्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है क्योंकि जहाँ जहां वेट पड़ रहा है उसका उस पोजीशन के अंदर जो उसकी मोबाइल पोजीशन है वहाँ वहाँ आपका प्रेशर पड़ सकता है और इस प्रेशर से फिर सोर्स डेवलप हो सकते हैं होता क्या है कैसे डेवलप होते हैं नाउ दिस द फर्स्ट पार्ट दैट इज जस्ट टोल्ड यू दीज फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स ये जो फैक्टर्स होते हैं या रिस्क फैक्टर्स का जब आप नाम सुनोगे इसको आपने इटियोलॉजी के अंदर लेबल करना है क्योंकि ये कॉज है ठीक है ये बीमारी का कॉज है अभी हम जो चीज पढ़ने लगे हैं दर इज प्रेशर सोल तो बीमारी का कॉज ये है ठीक है अब बीमारी होती कैसे है दिस इज द पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस ऐसे होता है कि बहुत लंबा प्रेशर जब पड़ रहा हो तो टिश्यू की जो परफ्यूजन होती है यानी कि जो उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है वो खत्म कम होना शुरू हो जाता है ठीक है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो वेसल्स दब रही हैं बहुत जोर से दब रही हैं तो ब्लड वहां तक नहीं पहुंच रहा जब ब्लड वहां तक नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या हुआ ऑक्सीजन नहीं पहुंची न्यूट्रिशन नहीं पहुंची तो स्कीमिया हो गया ठीक है और इन्फार्क्शन हो गई इन्फॉर्शन इन्फॉर्शन हो गई ठीक है और कितना प्रेशर चाहिए इस इस मसल, ये चीज होने के लिए ये मसला होने के लिए ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्किन किस तरह की है क्या एज है स्किन के अंदर एज की वजह से कुछ चेंजेस आती हैं तो जो यंग पेशेंट्स की स्किन होती है वो ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट कर सकती है यंग पेशेंट्स की स्किन स्किन वेल न्यूट्रिशन होती है तो ये एक तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं यानी उसके आसपास पास जो सी चीज़ें हैं जिस तरह से वो लेटा हुआ है जिस तरह से बैठा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर होगा तो ब्लड फ्लो पर होगा सो दिस इज दैथजेनेसिस एंड और प्रेशर के क्या क्या फैक्टर्स हैं कितनी देर प्रेशर पड़ रहा है कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है बॉडी की क्या पोजिशन है फ्रिक्शन कितनी हो रही है मोबिलिटी कितनी है थोड़ी बहुत हो रही है नहीं हो रही और न्यूट्रिशन वैसे कितना खाना पीना खा रहा है पेशेंट और डिहाइड्रेशन तो नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो ये कॉज कर सकती हैं अच्छा अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये अब आपने एटियोलॉजी बता दी दीज बता दिया दी तो बाकी चीजें कहाँ पे हैं देखो डायग्नोसिस हो जाएगा जब आप स्किन को देखोगे और उसके ऊपर प्रेशर सोर्स आपको कटे हुए नजर आ रहे होंगे तो वो मोर्फोलॉजी भी हो जाएगी और डायग्नोसिस भी हो जाएगा जो साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक इस बात पे होगा कि कितना ज्यादा कट लगा है अगर सॉरी कितना ज्यादा ब्रेक आया है अगर ब्रेक इतना आया है कि वेसल्स तक जा रहा है तो हल्का हल्का आपको ब्लड नजर आना शुरू हो जाएगा ठीक है या उसको जलन होनी शुरू हो जाएगी वहां पे जिस तरह से फ्रिक्शन हो रही है उस तरह से वहां पे जलन होना शुरू हो जाएगी ठीक है लेकिन आम तौर पर ऐसे बेड रिडन पेशेंट्स को या ऐसे पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उनके सोर्स बन रहे हैं उनको ख़ारिश होना शुरू हो सकती है इचिंग हो सकती है लेकिन नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है ठीक है so, सो नॉर्मली वो इतने सिम्टम्स बताएगा नहीं ऐसे पेशेंट्स को जब नर्सेज वगैरह या केयर टेकर्स आके जब देखते हैं इनकी पोजिशन चेंज करवाते हैं तो तब पता चलता है कि सोर्स हुए हुए हैं ठीक है अच्छा ये बेसिक बात होगी इसके बाद एज के साथ कुछ कुछ चेंजेस इंसान की में आना शुरू होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज और बाकी बात पर कल की जाएगी या नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी So स्किन चेंजेस क्या क्या हैं पहले तो ये चेंजेस होती क्यों हैं बेटा नॉर्मल एजिंग के साथ इंसान की बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं और uh, Mm -hmm. वो डिपेंड करती है वो कितनी जल्दी हो या कितना लेट हो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द जेनेटिक मेकअप इज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस ओवर हियर आपको लगता है कि जेनेटिक मेकअप कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यस कैसे आओ सर डाइट से भी डाइट से ओके इसके अलावा सर

कि इवेंचुअली जीन के ऊपर एन्वामेंट का इम्पैक्ट क्या होता है इट्स अ फैसिनेटिंग फील्ड और अभी तक बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ नहीं आई हुई आपको ये तो पता होगा ए सी होती है मिथाइलेशन होती है उसकी वजह से जीन्स टर्न ऑन होते हैं स्विच ऑन होते हैं स्विच ऑफ होते हैं लेकिन वो स्विचिंग ऑन या स्विचिंग ऑफ बाहर के इन्वामेंट से उसके ऊपर इम्पेक्ट कैसे पड़ता है दैट इज़ काइंड ऑफ और एपिजेनेटिक की जो पूरी फील्ड है वो इवेंचुअली इसके साथ डील करने की कोशिश करती है एनीवेज My point was कि कुछ ना कुछ ताल्लुक इसका होता है कुछ हद तक एजिंग बट नॉट नॉट मोर दैट अच्छा फिर एक्ट्रिक बाहर से कौन से फैक्टर्स हैं अल्ट्राइलेट लाइट स्मोकिंगलो डिट दिन अच्छा क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं वक्त के साथ साथ इस डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं सर से लेके पैर तक जाते हैं <coughs> सबसे पहले तो आदमियों में मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है यू नो मेल बाल्डनेस इज कौन कौन से लड़के मौजूद हैं इस क्लास में आदमी टकला होना शुरू हो जाता है बस क्यों होना शुरू हो जाता है तो दैर इज मेल पैटर्न बारनेस जो कि नॉर्मली इज कॉमन इन मैन फिर इसके अलावा पिगमेंटेशन जो स्किन का कलर है उसमें चेंजेज आने शुरू हो जाती हैं डिसकलर होना शुरू हो जाती है कहीं पे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा फ्रैकल्स बनना शुरू होते हैं पहले जो फ्लॉलेस स्किन थी वह भी इतनी फ्लॉलेस नहीं रहती फिर उसके बाद ग्लैंड डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं एक्राइन एपोक्राइन सबेश्स तो स्किन ड्राइनेस ज़्यादा होती है फिर मेलानोसाइट्स uh, जो वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेलन होती है जो आपकी स्किन को कलर दे रही होती है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और वो यू वी लाइट वग़ैरह के साथ प्रोटेक्शन uh, दे रहे होते हैं कुछ तो जो प्रोटेक्शन होती है वो फोटो या लाइट से प्रोटेक्शन या डेंजरस लाइट की प्रोटेक्शन वो कम होना शुरू होती है तो उसकी वजह से स्किन में शुरू हो जाते हैं फिर अलास्टिसिटी कम हो जाए होनी शुरू हो जाती है जो अलास्टिन फाइबर्स हैं कॉलेज फाइबर्स हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब स्किन जो खिंच सकती थी और अपनी शक्ल लूज किए बगैर खिंचती थी अब उसकी शक्ल जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है टेक्सचर उसका पतला होना शुरू हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और जब ब्लड वेसल्स कम होना शुरू हो जाती हैं तो थर्मो रेगुलेशन में मस्ते शुरू हो जाते हैं मतलब आपने कभी देखा होगा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उन्हें ज्यादा ठंड लग रही होती है ठीक है अक्सर वेशतर या उनकी टेम्परेचर सेंसेशन जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं आप कह रहे हो कि मैंने पंखा चलाना है और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि नहीं मतलब एल्डर्स कह रहे होते हैं कि नहीं बंद करो मुझे सर्दी लग रही है इट्स बिकॉज देयर मैकेगुलेशन आर गेटिंग ठीक है और ना सिर्फ थर्मो रेगुलेशन के अफेक्ट होते हैं अगर इंजरी हो जाए अगर कट लग जाए पहले वो इंसान जिसकी काफ़ी सारी ब्लड सप्लाई थी न्यूट्रिश बड़ी जल्दी वहां पर पहुंच रही थी ऑक्सीजन पहुंच रही थी अब जब उसकी स्किन उस तरह की नहीं रही तो फिर क्या होना शुरू हो गया जब उसकी स्किन इस तरह की नहीं रही तो फिर जो न्यूट्री न्यूट्रिशन पहुंचनी थी जो हील होना था वून वो उतनी जल्दी हील नहीं होता तो रिस्पॉन्स टू तो इंजरीज डिक्रीज अच्छा फिर इसके अलावा कलर ऑफ द हेयर चेंजेस हेयर कलर चेंज के बारे में बात होती है हेयर हेयर का जो टेक्सचर होता है वो थिन होना शुरू हो जाता है ठीक है अलास्टिसिटी uh, अब ये लॉस ऑफ आईलेट अलास्टिसिटी अलग से लिखी हुई है बट जो भी बॉडी के अंदर अलास्टिसिटी अलास्टिक चेंजेस आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू द अलास्टिक चेंजेस ऑल ओवर द बॉडी आईलेट हो या कहीं पर भी हो ठीक है दैट इज बिकॉज अलास्टिन जो प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाती है अच्छा सबकुटेनियस टिश्यू कम होना शुरू हो जाता है डर्मिस जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है तो so, जिसे कहते हैं ना टोल्ड स्किन नहीं रही ओल्ड एज में जाके वो इसलिए क्योंकि सबकोटेनियस टिश्यू कम हो जाता है फिर लोग बोटॉक्स इंजेक्शन लगा के उसको वापस मोटा करने की कोशिश करते हैं बट खैर दैट्स अनदर पॉइंट अच्छा अलास्टिन जब कम होना शुरू हो जाती है अलास्टिसिटी कम होना जब शुरू होती है तो रिंकलिंग शुरू हो जाती है ठीक तो है फिर लियंस नजर आना शुरू रहती और के कुछ नाम हैं चेरी एंजियोमा वगैरह वगैरह कुछ छोटे छोटे स्किन के ऊपर हल्के हल्के से लाल लाल से डॉट्स या स्पॉट्स नज़र आना शुरू रहते हैं लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं ठीक है फिर उसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यानी कि जो सबकोटेनियस फैट है वो ज्यादा हिप्स और वेस्ट लाइन के पास जाके जमा होना शुरू हो जाता है ठीक है तो बंदा डिसप्रोपोर्शनेटली मोटा होना शुरू हो जाता है अच्छा और चूंकि ब्लड फ्लो कम होता है जैसे आपको अभी इस पॉइंट पे बताया है तो प्रेशर अल्सर्स वगैरह ज्यादा बन सकते हैं ठीक है थीके? स्किन चूंकि थिन हो जाती है तो तब भी प्रेशर अल्सर्स ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वहां पे अभी बताया था ना प्रेशर अल्सर्स का मैकेनिज्म क्या था कि ब्लड फ्लो कम हो जाए तो फिर वहां पे इन्फॉक्शन होती है ठीक है इसके अलावा वट एल्स डू वी हैव सेंसरी um, रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं सो रिफ्लेक्सेस स्लो होना शुरू हो जाते हैं जो नर्व एंडिंग्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं जब वो नर्व एंडिंग्स कम होना शुरू होती हैं तो पेन सेंसेशन कम होना शुरू हो जाती तो है रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स आर्ट्स होती हैं आपकी वो पूरी तरह से काम नहीं करती हैं। वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं और इसके अलावा माइटोसिस कम हो जाता है जब माइटोसिस कम हो जाता है तो फिर स्किन जो है वो नई जल्दी जल्दी रीजनरेट नहीं करती वो जो पांच लेयर्स फटाफट गिर रही थी और नई स्किन बन रही थी वो इतनी स्पीड से नहीं बन नहीं बनती जब वो स्पीड से नहीं बनती तो अगेन दैट काज प्रॉब्लम इन हीलिंग एंड हीशन आपकी विटामिन डी की नीड्स पूरी नहीं हो रही होती वो फिर आपको बाहर से एक्स्ट्रा विटामिन कैप्सूल वगैरह लेने पड़ते हैं ठीक है सो दीज आर द नॉर्मल चेंजेस जो होना शुरू हो जाती हैं We are, we have just studied this. ये एक स्लाइड अगली दस स्लाइड्स को कवर कर देगी सो स्किन चेंजेस क्या क्या होती हैं एपिडाम चेंजेस में गेट थिनर इसकी जो ग्लैंड uh, कम होते हैं तो इट बिकम ड्रायर माइटोस जो है वो थर्टी परसेंट कम हो जाता है जब आप फिफ्टी के इस पर पहुँचते हैं तो so, फिर हीलिंग टाइम कम और रिस्क इन्फेक्शन का ज़्यादा है क्योंकि स्किन इतनी पतली है जो प्रोटेक्शन वो पहले दे रही थी उस लेवल की प्रोटेक्शन वो अब नहीं दे सकती अच्छा इसके अलावा एक चीज़ होती है उसको कहते हैं रीट रेजस वीट रेजेस क्या होती हैं पहले आप ये देख लो अब ये जो स्किन है आप ये देख रहे हो इसमें ये इस तरह से एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस के अंदर यूं जा रही है ठीक है यू नीचे को हो रही है ये जो तो नीचे की तरफ जा रही है इसको पेग्स या पैग कहते हैं ऐसे जैसे किसी ने इस स्किन को निचली वाली स्किन के साथ कुछ एंकर किया हुआ है ठीक है ये जो यूं नीचे जा रहा है इसको रेजिस कहते हैं सो so वट कि ये जो रेजिस होते है, ये हैं ये फ्लैटन होना शुरू हो जाते हैं तो जब ये फ्लैटन होते हैं तो वो जो एपिडर्मिस होती है वो या जो स्किन होती है वो फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती है ठीक है वो इतनी सख्ती से नीचे वाली स्किन के साथ जुड़ी नहीं होती वन ऑफ द रीज़न जो रिंकलिंग होती है या सैगिंग होती है स्किन की या वेल well टोन्ड स्किन नहीं रहती है इस दस फिर ऑब्वियसली कॉलेजन भी कम होता है लास्टिक फाइबर्स भी कम होते हैं है, तो इसकी वजह से भी ये फ्लैट होना शुरू हो जाती है रेजेस जो हैं या पैग हैं जो पहले नीचे जा रहे थे वो उस तरह से नहीं जाते है. फिर इसके बाद क्या होता है Uh, जब ये सारी की सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जब स्किन पतली हो गई है उसकी सैगिंग ज़्यादा है रिंकलिंग ज्यादा है तो ब्रेक डाउन के चांसेस भी ज़्यादा हैं अल्स बनने के चांसेस भी ज़्यादा है फिर मिलानोसाइट्स कम हो जाते हैं मिलानोसाइट्स का भी आपको बताया था कि जब मेलानोसाइट्स आपकी स्किन के कलर मेंटेन कर रहे होते हैं तो कंप्लेक्शन आपकी पेल होना शुरू हो जाती है पहले जिस कलर का था या जितना आ, आ, वीटिश था इंसान या जो भी था वो उस तरह से नहीं रहता ठीक है अच्छा और जब मिलानोसाइड कम हो जाते हैं तो जो प्रोटेक्शन दे रहे थे वो यू लाइट से वो प्रोटेक्शन कम होना शुरू होती है यू लाइट से डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं फिर कलर्स पिगमेंटेशन जो ज्यादा होती है जैसे नेवाई कहते हैं यानी कि स्किन मोल्स हल्के हल्के कलर्ड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी ये चीज़ें तो आप अभी भी नोट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी सात साल पहले पाँच साल पहले की पिक्चर देखें और अब की पिक्चर देखें तो आपने नोट करना शुरू किया होगा कि कहीं कहीं पे मोल्स बनना शुरू हो रहे हैं जो पहले नहीं थे ठीक है या तिल नजर आना शुरू हो रहे हैं या बड़े होना शुरू हो रहे हैं जो कि पहले नहीं थे दे स्टार्ट हैपनिंग विद एजिंग फिर इसके अलावा कुछ एज स्पॉट्स होते हैं कुछ लिवर स्पॉट्स होते हैं फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं फ्रैकल्स क्यों बनते हैं जब मेलेनिन किसी जगह पर जाके ज्यादा जमा हो जाए तो वहां पे फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं एज स्पॉट्स को lentigins, lentigins भी कहते हैं सोलर लेंटिजेंस ग्रेश ब्लैकिश या ब्राउनिश स्पॉट्स होते हैं फेस हैंड शोल्डर वगैरह पे नजर आते हैं और ज्यादातर उस जगह पे जो स्किन को एक जहाँ पे स्किन एक्सपोज हो रही हो सन से ठीक है और ज्यादातर ये शुरू होता है फोर्टी की एज के बाद मतलब ये वाली जो चेंजेस हैं पिगमेंटेड चेंजेस जो हैं ज्यादातर अपार्ट फ्रॉम द मोल्स जो एज स्पॉट्स हैं ये ओल्ड एज में या मिडल एज के बाद जाके शुरू होते हैं अच्छा थिकनेस कम होना शुरू होती है वो थर्ड डेकेड में कम होना शुरू होती है मतलब जब आप बीस साल के बाद इक्कीस साल के होते हैं या सॉरी ट्वेंटी ईयर में जाते हैं ट्वेंटी फर्स्ट ईयर में जाते हैं मेन तो आपकी जो थिकनेस है वो वहीं पे कम होना शुरू हो जाती है और फिर क्वालिटी है की ख़राब होना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू होती है जब अलास्टिंग की क्वालिटी खत्म होती है तो फिर रिंकलिंग शुरू होती है कॉलेजिन कम ऑर्गेनाइज होता है जितना ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज की पहले थी वो इस तरह से नहीं रहती है अगर आपको पता हो कनेक्टिव टिशू में आपने पढ़ा होगा डेंस टिश्यू उतना रेगुलर नहीं रहता उसकी से फिर का जो टर्गर है जिसकी से लगते हैं, वो थोड़े, आ, क्या उसे कहते हैं फ्लेक्सीबल होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से फिर रिंकलिंग आना शुरू जाती है वेस्कुलरिटी कम होने की वजह से भी पेल होता हैिटी कम होने की वजह से फेल होता है वेसल्स कम हो जाती हैं कैपिलरीज थिन हो जाती हैं और आसानी से डैमेज हो जाती हैं तो इसकी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि आसानी से स्पॉट्स पर्पल से स्पॉट्स बन जाते हैं हल्के हल्के ऐसे जैसे यहाँ पे छोटा सा कोई नील टाइप कुछ पड़ा हुआ है ईजीली ब्रूज हो जाती है स्किन और इन स्पॉट्स को जहाँ पे कैपिलरीज थिन हो और टूट जाएँ और अंदर से ब्लड निकले हल्का सा उसे सिनाइल पर्परा कहते हैं ठीक है और सेंसेशन आपको मैंने अभी ऑलरेडी उस पिक्चर में बताया था कि कम हो जाती है उसके अलावा थिनिंग हो जाती है सबकोटेनियस टिश्यूज की और हाइपरट्रॉफी कहीं पर टिश्यू थिन हो जाता है कहीं पर ज्यादा हो जाता है ज्यादा क्यों हो जाता है सबकोटेस टिश्यू जहाँ पे फैट ज़्यादा होना शुरू होता है जैसे अभी आपको बताया डॉमिन थाइज में हिप्स में फैट ज्यादा जमा होना शुरू होता है और बाकी जगह जो है फेस नेक हेड हैंड और लेग में जो है वो टिश्यू थिन होना शुरू होता है तो जब जहाँ पे थिन होना शुरू हो जाता है वहाँ पे से नीचे से वेन्स ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती हैं इसके अलावा हेयर चेंजेस क्या क्या आती हैं मिलानोसाइट्स तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उसका चेंजेस होने शुरू रहती हैं पिगमेंटेड जो हेयर था जब मिलानोसाइट जो हेयर की पिगमेंटेशन है वो ख़त्म होना शुरू होती है जिसकी वजह से आपको ग्रे हेयर नज़र आना शुरू होते हैं नॉन पिगमेंटेड हेयर नज़र आने शुरू रहते हैं ठीक है हारमोन लेवल्स डिक्लाइन करते हैं जब तो फिर क्या होता है प्यूबिक एरियाज़ में एक्जलरी एरियाज़ में हेयर लॉस शुरू हो जाता है ठीक है विमेन uh, में फेशियल हेयर शुरू हो जा शुरू, आना शुरू हो जाता है और मेन में नेजल और ईयर हेयर आना शुरू हो जाता है ठीक है बाल्डनेस भी इंक्रीज करना शुरू होती है ये बाल्डनेस जो है वो कुछ हार्मोन्स इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी वजह से होती है ठीक है अच्छा इसके अलावा क्या होता है आ, नेल के कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं येलोनेस आना शुरू हो जाती है उसके अंदर और जो स्... थिक नेल होता है वो टूटने के उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है थीके? और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशंस लॉन्गिट्यूडनल मार्क्स नजर आना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर ठीक है रूट ऑफ नेल पर डैमेज होता है तो उसकी वजह से वो मार्क्स आते हैं बूढ़े लोगों के नेल्स में अगर आप देखो तो हल्की हल्की सी वाइट वाइट सी लाइन्स होती हैं नेल की रूट के पास से ठीक है तो वो नेल का जो मैट्रिक्स है मतलब जो नेल को अगर आप काट के देखो तो उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है फिर इसके अलावा पिगमेंटेड बैंड्स, बैंडीटल बैंड शुरू ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन होता है इसके अलावा क्या होता है बेड़ा हो जाएगी. इसके अलावा क्या होता है आ, आपको बताया था एक्राइन और कम होना हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जनरेशन में प्रॉब्लम होती है या उसके अलावा ड्राइनेस भी शुरू हो जाती है ठीक है सो स्पेशस ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है और अवेपोरेशन uh, ज़्यादा होती है वाटर की तो ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है उसकी वजह से मतलब वैसे बड़ा हो रहा है काम उसका खत्म हो रहा है अच्छा ठीक है चलो ठीक है बेटा अब यहाँ तक आपका आज की क्लास हो गई आई थिंक इट्स इनफ एजिंग की हमने चेंजेस की हैं अगर आप इस एक डायग्राम को कर लो तो ये बहुत है एजेस को समझने एजिंग चेंजेस को समझने के लिए बाकी जो दो तीन स्लाइड्स और इम्पॉर्टेंट हैं वो ये मोबिलिटी वाली स्लाइड इम्पॉर्टेंट है प्रेशर सोर्स कैसे बनते हैं ये वाली स्लाइड्स इम्पॉर्टेंट है तीन चार ठीक है बाकी फिर हम इसके बाद डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स और स्किन लियन जो हैं वो देखेंगे कि पर्परा क्या होता है पेप्यूल क्या होता है वेजिकल uh, क्या होता है बुला क्या होता है पस्टूल क्या होता है इनके बीच में फर्क क्या होते हैं तो ये चीजें जो है हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे ठीक है बेटा डू यू एनी क्वेश्चंस